हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस टाइप से हम टेप चिपका रहे हैं। दीवार से हमने लगभग इसकी एक फीट दो इंच का नाप लिया है और चारों कोनों में ऐसे नाप लिया है और टेप इस टाइप से हम चिपका रहे हैं। आप देख सकते हो इस टाइप से टेप चिपका रहे हैं। उसके बाद में उसकी कटिंग देख सकते हो आप किस टाइप से करेंगे। आपको भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आप ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हो। ठीक है, इस टाइप से हम चारों कोनों में टेप चिपका लेंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टेप चिपक रहा है उसे हम काट देंगे। तो इस टाइप से आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप टेप का जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। आप 1.5 फीट भी कर सकते हो, 1 फीट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है जिस हिसाब की सीलिंग की लंबाई चौड़ाएंगी उस बेस पर आप टेपिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सीलिंग लगभग 11 फीट और कुछ इंच की थी, इसलिए हमने इसका नाप ऐसा रखा है। आपकी सीलिंग कम हो तो आप नाप कम रखीजिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो आप बड़ा भी नाप कर सकते हो। इस टाइप से हम टेपिंग की कटिंग कर रहे हैं। इस टाइप से आपको भी टेपिंग कटिंग करना है। नाप छोटा बड़ा आप कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से देख लीजिए हम टेपिंग काट रहे हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टेपिंग का ध्यान रखना है। टेपिंग आपकी अच्छे से हो जाएंगी तो आप कलर बहुत अच्छा से कर सकते हो। कलर में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, थोड़ा सा आपको दिक्कत टेपिंग में ही जाएंगे क्योंकि इसमें मेन काम टेपिंग का ही है। इस टाइप से देख लीजिए हम टेप काट रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देख लीजिए हम चार कोनों के बाद में बीच में हम टेप लगा रहे हैं। इसमें हमने जो कैप रखा है मेरे अंदाज से लगभग 2 फीट के आगे रखा है। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि टेप कहाँ चिपका है, तो जब पूरे टेप चिपक जाएंगे और हम आपको पूरा बता देंगे कि टेप कौन सा टेप कहाँ चिपके है। ठीक है, देख लीजिए 2 फीट लगभग हमने इसके आगे रखा है। टेप जो है उसके आगे टेप चिपका रहे 2 फीट का। ठीक है, इस टाइप से ये टेप चिपका रहे तो आप देख सकते हो। और टेपिंग करने के लिए आपको 2 लोग ज़रूर लगेंगे, 1 लोग से नहीं हो पाएगा टेपिंग करने के लिए। ठीक है, कि देख लीजिए। अब इसके बाद में हम टेपिंग का जो ये टेप है ये से हम 1 फीट के आगे ले रहे हैं। लगभग जो टेप चिपका है वाला उसके 1 फीट के आगे ले रहे हैं और ऐसे ही हम टेप चिपकाएंगे अभी। ठीक है, इस टाइप से हम टेपिंग चिपका रहे हैं। तो आप भी इस टाइप से आपको टेपिंग चिपकाना है और उसके बाद में टेप की कटिंग करना है। ये देख लीजिए, अभी हम नाप थोड़ा हमारा आगे पीछे हो रहा था तो इससे नहीं लगा था। ये देख लीजिए फिर लग गया है। इस टाइप से हमने टेपिंग चिपकाई, देख लीजिए खड़े हो गए। उसके बाद में हम आड़े चिपका रहे हैं। ये आड़े की टेपिंग की भी लगभग 1 फीट कुछ इंच है, तो आपकी जैसी सीलिंग रहेंगी उस बेस पर आप इसे चिपका सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए बीच का पट्टा जो है हम उसे खाली छोड़ने के लिए कटिंग कर रहे हैं। आगे भी हम इसे और थोड़ा सा काट देंगे, तो अगर आपको काटना हो तो आप काट सकते हो, नहीं काटना तो नहीं काटना। ठीक है, ये आपकी मर्जी रहेगी आपको किस बेस पर बनाना है। मुझे थोड़ा सा आगे ठीक लग रहा था तो मैंने 1 पट्टा एक्स्ट्रा उसमें काट दिया हूँ। आपको वीडियो में आके देखने को मिल जाएगा किस टाइप का काटा हूँ। ठीक है, इस टाइप से आपको काट लेना है। देखिए इस टाइप से हम काट रहे हैं, इस टाइप से आपको भी काट लेना है। ठीक है, कि देख लीजिए इस टाइप से हमने बॉक्स बना लिया है और ये भी काट दिया है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ 1 बॉक्स चेंज करा है, वो आपको आगे पता चल जाएगा कहाँ पर चेंज करा है। ठीक है, इस टाइप से आपको ये देख लीजिए, इस टाइप से आपको टेपिंग करना है। थोड़ा बहुत आपको अगर ठीक नहीं लग रहा तो उसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से आपको टेपिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो टेपिंग बहुत इजीली हो चुकी है। अब हम इसके कोनों पर कलर करेंगे। जो कोने कोने हैं उसमें हमने कलर करें, ये ब्लू कलर है, डार्क कलर। ठीक है, इसका हम नंबर भी आपको दे देंगे स्क्रीन पर। इस टाइप से आपको करना है, स्क्रीन पर आपको उसका नंबर मिल जाएगा। इस टाइप से आपको करना है। पहले आपको जो कोने कोने हैं उसमें आपको पहले सिंगल मार लेना है, फिर उसके बाद में उसे थोड़ा सा
10-15 मिनट सूखने देना है, आधे घंटे भी आप सूखने दे सकते हो, फिर आपको उसको डबल कर देना है। सूख जाता है कलर, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। कोई बोलता है कि 4 घंटे 6 घंटे सूखने देना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है। मैं 15 से 20 मिनट सूखने देने के बाद मैं उसे मार देता हूँ सेकेंड कोट उसका, ठीक है। आपकी मर्जी से आप जिस टाइप से आप करना चाहो उस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है कि हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, आपको जैसा ठीक लगे उस टाइप से आप कर सकते हो। यह वीडियो छोटी रखने की हमने बहुत कोशिश करी है, पिछली वीडियो बहुत बड़ी होगी तो आप देख नहीं रहे थे, इसलिए हमने इसे शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ये सेकेंड कोट हमने चालू कर दिया है, ये देख लीजिए, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं कि आपको किस टाइप से करें। हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करी है, ठीक है। और थोड़ी सी ये नॉइस प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर हो रहा है और बारिश भी हो रही है, तो पूरा शांत माहौल है, बाहर की आवाज़ आपको पूरा क्लीन से नहीं आ रही होगी, ठीक। इस टाइप से आप देख सकते हो ये सेकेंड कोट हमारा लगभग कम्प्लीट ही होने वाला है। उसके बाद में हम बीच के जो बॉक्स है उसमें कलर करेंगे, ठीक है। सारे कलर जो हम करेंगे उसके आपको स्क्रीन पर उसके नंबर बता दिए जाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका ब्लू कलर जो है हमारा डार्क है ब्लू, वो हो गया है डबल कंप्लीट। उसके बाद में हम बॉक्स में कलर करेंगे जो अंदर बॉक्स बनाए हैं। ये हमारा हर्बल ग्रीन कलर है, इसका नंबर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसे भी हमको सिंगल करना है, फिर उसके बाद में साथ ही साथ डबल कर देना है। ये से इस टाइप से आप चाहे तो इसमें कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको कलर करना है, एक डब्बे एक छोड़ के कलर करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करा है। इस टाइप से अगर आपको चेंज करना हो तो आप भी कर सकते हो, नहीं तो जैसे हमने टेपिंग करी है उस टाइप से भी आप रख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। इसमें कलर हो रहा है, आप देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। ये देख लीजिए, सिंगल कलर हो गया, उसके बाद में हम ये इस टाइप से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इस टाइप से करना है, साथ साथ देख लीजिए, इसको हम डबल भी कर रहे हैं। ये हर्बल ग्रीन का भी हम कलर इस पर डबल कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको इस टाइप से करना है, कलर को हम ज़्यादा देर सूखने नहीं देते, सूख जाता है 15 से 20 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हमने पूरा डबल कर दिया है, अब इसके बाद जो देख लीजिए, एक पट्टा हमने बता रहे थे आपको कौन सा बॉक्स पट्टा जो है उसको हम काट रहे थे, कि इस टाइप से हमने काट लिया है। मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि इस टाइप से थोड़ा अलग करेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। इस टाइप से ही है, हम बीच में इस टाइप से कर दे, कलर कॉम्बिनेशन आपको ये ठीक नहीं लगे तो आप चेंज भी कर सकते हो। इस टाइप से हम कलर कर रहे हैं, आप भी इस टाइप से कलर करके डिजाइन आसानी से बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप से हमने भी करें। किस सिंगल कंप्लीट हो जाएगा तो साइड का जो पट्टा बचा है उसमें हम कलर करेंगे, उसमें हम ग्रीन कलर करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको भी करना है, थोड़ा सा सूखने देंगे जब तक ग्रीन कलर करेंगे, उसके बाद में यह सूख जाएगा तो आप उसे सेकेंड कोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम साइड का जो पट्टा है उसमें ग्रीन कलर कर रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रहा है तो आप यही कलर कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरा कलर भी कर सकते हो जो आपको सूटेबल है, ठीक है। हमने आपको टेपिंग करने का तरीका बता दिया है, उससे बेस पर आप कर सकते हैं। इस टाइप से देख लीजिए, इस ग्रीन लगभग सिंगल ही हो गया है, ये पूरा सिंगल कंप्लीट होने के बाद में हम इसे डबल करेंगे थोड़ा सूखने के बाद। ये देख लीजिए, अंदर का जो है उससे हम अब डबल कर रहे हैं, थोड़ा सूख गया है तो इसे हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस टाइप का जो एक और बॉक्स छूटा था हम उसे सिंगल कर रहे हैं और उसके बाद में फिर उसे डबल करेंगे, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो।
आप देख लीजिए, इसे हम डबल कर रहे हैं, इसके बाद में हम टेपिंग निकालेंगे। ठीक है, तो टेपिंग भी आपको इजीली निकालना है, ज़्यादा आपको जल्दी नहीं करना है। ठीक है, टेपिंग आराम से निकालना। टेपिंग के बाद में थोड़ा बहुत जो कलर निकलता है उसको बाद में उसे कलर से रिपेयरिंग कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत कलर निकलता ही है, ये तो आप बोलोगे कि टेपिंग के बाद जो कलर निकलता है उसे कैसे रिपेयरिंग करना है वो बताए, नहीं तो कुछ समय नहीं बताई, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो एक चीज़ का बोल के बता दे रहे आपको, जो टेपिंग निकलने के बाद जो कलर निकलता है उसे आपको कलर से रिपेयरिंग करना है। ठीक है, इस टाइप से देख लीजिए, बिल्कुल ईजिली निकाल रहे हैं हम टेप, इस टाइप से देख लीजिए, बिल्कुल आराम से हम टेप निकालते, ज़्यादा कलर नहीं निकलता उसमें, थोड़ा बहुत कलर निकलता है लेकिन हम उसे रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि आप सोचेंगे कलर जो निकल रहा है उसे रिपेयर कैसे करें, तो वो आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। ये देख लीजिए, इस टाइप से हम पूरे टेप निकाल रहे हैं और बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है, आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है टेप निकालने के बाद में और बहुत सुंदर दिखता है। इस टाइप से आप देख सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मस्त लग रहा है, आप भी आपके साइड से कर सकते हो जिस टाइप से आपको चाहिए रहेगा। ये देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, इस टाइप से देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर बनता है, आप भी इस टाइप से बना सकते हो अपने घर पर, अगर आप पेंटर हो तो ये अपने साइट पर बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।